ओके दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। एंड हम चलते हैं, जल्दी एसक्यूएल सॉल्व करते हैं। और आपने अगर एसक्यूएल की स्टार्टिंग की सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ वो सीरीज़ देख लीजिए, वीडियोस देख लीजिए स्टार्टिंग से। बहुत सारे हमने एसक्यूएल क्वेरी सॉल्व किए हैं और आगे चल के और भी बहुत सारे एसक्यूएल क्वेरी सॉल्व करने वाले हैं। प्लीज़ ये सीरीज़ को देखिए अच्छे से। और अभी भी हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज में एंड बहुत सारे क्वेरी सॉल्व करेंगे। और चलिए देखते हैं। और मैं स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम दो तीन टेबल बहुत मेन मेन टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एम्प्लॉय टेबल है एंड डिपार्टमेंट टेबल है। अभी के लिए ये दो ही टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर तीसरा टेबल यूज़ करेंगे तो वो हम सैलरी वाला टेबल यूज़ करेंगे, सैल ग्रेड बेसिकली। सो यहाँ मेन है एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, ठीक है। फिर 51st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु वांट्स द हाईएस्ट सैलरी, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ई एम पी। ठीक है, हाईएस्ट सैलरी है तो हाईएस्ट सैलरी अवेयर सेल सेल वेयर सेल इक्वल टू सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल एमपी। आगे किंग आ गया, देखा नाम, हमें नाम चाहिए था। ठीक है, हमें नाम चाहिए था, हमें और कुछ डिटेल नहीं चाहिए थे तो इसलिए हमें बस ये मिल गया। फिर ठीक है, 52nd में डिस्प्ले द एम्प्लॉय नंबर एंड नेम फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नंबर सेलेक्ट ईएमपी नंबर कॉमा ई नेम, और भी कर देते हैं, सैलरी भी कर देते हैं, जॉब भी कर देते हैं। ठीक है, नहीं चाहिए। फ्रॉम ईएमपी वेयर सैल अर्निंग हाईएस्ट सैलरी अमंग क्लर्क्स। ठीक है, सैल इक्वल टू सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ई एम पी वेयर क्लॉज नहीं चले जाते हैं यहाँ, वेयर जॉब इक्वल टू क्या है क्लर्क। ठीक है ना, जॉब इक्वल टू क्लर्क क्या बोला यहाँ पे, हाईएस्ट सैलरी अमंग क्लर्क्स है ना, तो यहाँ पे निकाल लिया हमने हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, यहाँ पे निकाल लिया हाईएस्ट सैलरी, सैलरी सैलरी यहाँ पे कंपेयर करना है, बट हमें यहाँ पे मैक्स सैलरी नहीं चाहिए। तो अगर हम इस क्वेरी को रन करेंगे मुझे क्या मिलेगा, मुझे हाईएस्ट सैलरी मिल जाएगा। कहाँ पे, क्लर्क में हाईएस्ट सैलरी मिल जाएगा। बट मुझे तो हाईएस्ट सैलरी चाहिए नहीं ना, तो मुझे चाहिए एम्प्लॉय नंबर और ई नेम चाहिए। और यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, जॉब भी लिख देते हैं और सैलरी भी लिख देते हैं। और फिर यहाँ पे हम इस क्वेरी को रन करते हैं तो यहाँ क्या आ गया, एम्प्लॉय नंबर आ गया, नेम आ गया, जॉब क्लर्क है जैसे कि यहाँ बोला गया था, एंड सैलरी भी आ गई। सैलरी यहाँ पे 1300 थी, जैसे कि यहाँ पे भी 1300 मिल रहा है। सो आप लोग थोड़ा इस तरह सोचेंगे, हम सब क्वेरी भी यूज़ कर रहे हैं और सब क्वेरी के अंदर वेयर क्लॉज भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए, आराम से ध्यान से सोचिए और करिए। फिर 53rd क्वेश्चन में चलते हैं। डिस्प्ले द नेम ऑफ सेल्समैन हु अर्न्स अ सैलरी मोर देन द हाईएस्ट सैलरी ऑफ एनी क्लर्क। ठीक है, ठीक है, आराम से चलते हैं। सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ई एम पी। ठीक है, ये तो सही हो गया। वेयर हु अर्न्स अ सैलरी मोर देन, सैलरी शुड बी सैलरी ग्रेटर देन होना चाहिए। और अभी हमें क्या चाहिए, हमें हाईएस्ट सैलरी ऑफ एनी क्लर्क है ना। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी लिखा लेते हैं, मैक्स ऑफ सैल फ्रॉम ई एम पी वेयर वेयर क्लर्क है ना, वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये जो इनर क्वेरी है, मैं रन करता हूँ। इनर क्वेरी जो है हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे मेरे को हाईएस्ट सैलरी किसका आ रहा है, हाईएस्ट सैलरी ऑफ एनी क्लर्क आ गया, यहाँ हाईएस्ट सैलरी ऑफ क्लर्क आ गया। बट हमें चाहिए क्या, हु अर्न्स, डिस्प्ले द नेम ऑफ द सेल्समैन हु अर्न्स हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, सेल्समैन चाहिए हमें, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, जॉब इक्वल टू सेल्समैन, और उसका क्या होना चाहिए, एंड सैलरी क्या क्लर्क से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे देखो अगर हम करते हैं रन, लेकिन यहाँ पे ऐसे कर देंगे, जॉब भी प्रिंट कर देते हैं और सैलरी भी प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, पहले मैं ऐसे करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जो भी सेल्समैन है उनके सैलरी आ रहे हैं। ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जो क्लर्क,
ठीक है, यहाँ पे देखिए 1600, 2250, 1250, 1200 है, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या आ रहा है, क्लर्क आ रहा है। क्लर्क का मैक्सिमम सैलरी कितना, 1300। इस सैलरी से ज़्यादा जो भी सेल्समैन होगा उसका नाम चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे करके कर दिया। तो यहाँ पे एलनर टर्नर जो कि सेल्समैन है, जिनकी सैलरी क्लर्क के हाईएस्ट सैलरी से ज़्यादा है, 1600, 1500, क्योंकि क्लर्क की सैलरी कितनी, 1300 थी, उससे ज़्यादा नंबर जो है वो हमें मिलना चाहिए, बट वो क्या होना चाहिए, सेल्समैन होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, हम जो आउटर क्वेरी है उसमें भी वेयर क्लॉज लगा रहे हैं, फिर इनर क्वेरी है, फिर हम क्या कहते हैं, सब क्वेरी लिख रहे हैं। जो यहाँ पे देखिए आप सैलरी को कंपेयर कर रहे हैं, सैलरी को कंपेयर किससे कर रहे हैं, एक इनर क्वेरी, एक और सब क्वेरी है जिससे हम सैलरी को कंपेयर कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, इस तरह से जब आप खेलेंगे ना, मज़ा आ जाएगा कि आप क्वेरी के साथ खेल रहे हो अलग तरह से। यहाँ पे फिर एग्रीगेट फंक्शंस लगा रहे हो, तो इस तरह से आप खेलोगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ऐसे डिस्प्ले द नेम ऑफ क्लर्क्स, ठीक है, डिस्प्ले द नेम ऑफ क्लर्क आ रहा है, ई नेम, मैं जॉब भी लगा देता हूँ, फ्रॉम EMP, हाँ फ्रॉम EMP, वेयर हो वंस डिस्प्ले द नेम ऑफ क्लर्क्स, ठीक है। जॉब इक्वल टू क्लर्क होना चाहिए, ठीक है, जॉब क्लर्क हो गया, हु अर्न्स अ सैलरी मोर देन द लोएस्ट सैलरी ऑफ एनी सेंसेंस, ठीक है। एंड ठीक है, पहले द लोएस्ट सैलरी ऑफ एनी सेल्समैन निकाल देते हैं, ठीक है। लोएस्ट सैलरी ऑफ एनी सेल्समैन कैसा होगा, सेलेक्ट मिन ऑफ सेल फ्रॉम EMP, वेयर जॉब इक्वल टू सेल्समैन, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आ गया, मेरे को मिन ऑफ सैल चाहिए किसका, जॉब इक्वल टू सेल्समैन, सेल्समैन का मेरे को मिनिमम सैलरी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सेल्समैन ऑफ का मिनिमम सैलरी चाहिए, सैलरी मोर देन द लोएस्ट सैलरी। यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो क्लर्क का डेटा आ रहा है, ठीक है, क्लर्क का डेटा आ रहा है। यहाँ पे मैं सैलरी भी ले लेता हूँ, ठीक है, सैलरी भी ले लिया मैंने, रन किया इसको, तो सैलरी भी आ गया, जो एम्प्लॉयज़ भी आ गए जो क्लर्क हैं, बट मुझे क्या चाहिए कि वो क्लर्क चाहिए वंस मोर देन द लोएस्ट सैलरी, ठीक है। एंड जिसकी सैलरी क्या हो, हमारे सेल्समैन का मिनिमम सैलरी से ज़्यादा हो, ये आ गया क्लर्क। मिलर एक ही एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी मिनिमम सेल्समैन, यहाँ पे सेल्समैन का मिनिमम सैलरी क्या है, मिनिमम सैलरी 1250, 1250 से ऊपर जिसकी सैलरी होंगे क्लर्क में उसका आएगा। तो यहाँ पे चल देख लेते हैं क्लर्क में कौन कौन सा आता है, हाईएस्ट सैलरी 1350 है, 1350 आएगा, और क्या, क्योंकि उसमें तो हमें 1250 आ रहा है ना, 1250 आ रहा है, तो उसके ऊपर जो वैल्यू है इस क्वेरी में आएगा, 1300 एक ही है, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखिए आप, यहाँ पे भी हमने एग्रीगेट फंक्शन लगाया, इनर क्वेरी लगा रखी है, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, हम एक सब क्वेरी से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ताबड़तोड़ मजा आएगा, ठीक है। डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु अर्न्स मोर देन दैट ऑफ जोन्स और दैट ऑफ सैलरी ग्रेटर देन ऑफ स्कॉट, ठीक है। मतलब कि सेलेक्ट ई नेम कमा सैलरी भी लिख लेते हैं, फ्रॉम EMP, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, सैलरी मोर देन दैट ऑफ जोन्स, सैलरी ग्रेटर देन और दैट ऑफ सैलरी ग्रेटर देन ऑफ स्कॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम EMP, वेयर ई नेम इक्वल टू जोन्स है ना, ठीक है, जोन से सैलरी आनी चाहिए। इसमें क्या आ रहा है, देखो इसमें आउटपुट री नेम जोन्स, जोन्स नहीं है क्या हमारे पास, QNES, ठीक है, हाँ अभी आ गया। तो ये जोन्स जो है, जोन्स का हो गया 2950। तो सेम क्वेरी मैं कॉपी कर लेता हूँ, और किसकी चाहिए, स्कॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जोन्स का 2975 है, स्कॉट का 3000 है। तो
अदर केसेस में आर साल ग्रेटर देन, साल ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, स्कॉट के सैलरी से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, मैं एक और बार समझाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक और बार समझा देता हूँ इस क्वेरी को। तो कहना क्या है कि डिस्प्ले द नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु अर्न सैलरी मोर देन दैट ऑफ जोन्स और दैट ऑफ सैलरी ग्रेटर देन दैट ऑफ स्कॉट। ठीक है, तो वो एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए मुझे, वो एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए जिसकी सैलरी जोन्स और स्कॉट के दोनों के सैलरी से ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी एक के सैलरी से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जोन्स है 2975 और यहाँ स्कॉट है 3000। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉयज हु अर्न हाईएस्ट सैलरी इन द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु अर्न्स हाईएस्ट सैलरी, डिपार्टमेंट नाम भी डाल देते हैं ना, डिपार्टमेंट नंबर डाल देते हैं एमपी, वेयर सैल इक्वल टू सैल इन कर देते हैं, सेलेक्ट मैक्स ऑफ साल फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डीपीटी नंबर। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूँ ये जो इनर क्वेरी है इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें हर डिपार्टमेंट का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ, कंपैरिजन नहीं होगा बट ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे लिख देता हूँ तो क्या होगा, हर डिपार्टमेंट का मेरे को मैक्सिमम सैलरी मिल गया। ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट का जो मैक्सिमम सैलरी मिल जाएगा मुझे क्या चाहिए, उसके नाम चाहिए, मेरे को डिपार्टमेंट नंबर और ये नहीं चाहिए, को नाम चाहिए। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी एक ही कॉलम हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें सैलरी देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कहते हैं हर डिपार्टमेंट से वो एम्प्लॉय चाहिए जिसकी सैलरी हाईएस्ट हो, तो यहाँ पे सैलरी भी लिख ही देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट नंबर, रीनेम सैलरी एंड सेलेक्ट मैक्स सैल फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का मैक्स सैल मिल गया और मैक्स सैल किसका होगा, मैक्स सैल इन एम्प्लॉयज़ का होगा क्योंकि मुझे एम्प्लॉय के नाम चाहिए ना। यहाँ पे देखिए फॉर्ड और स्कॉट ये दोनों आए हैं क्योंकि कि सैलरी इक्वल है, यहाँ पे 3000 मैक्सिमम सैलरी इक्वल है इसीलिए दो आए हैं 10, 20 and 30। ठीक है, तो इस तरह से हम मस्त गेम खेलेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब क्वेरी में मैंने ग्रुप बाय क्लॉज लगा दिया है, फिर उसके बाद इसको इन लेकर के फिर इसको सॉल्व किया है। तो इस तरह से आपको दिमाग अपना चलाना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ख़तरनाक हम एसक्यूएल सॉल्व कर रहे हैं, और अगर आपको मज़ा आ रहा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। मेरे इंग्लिश चैनल में भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे तरह की वीडियो लाता हूँ। और इस वीक में मैंने उस समय बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में बात किया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। अगर आपको वीडियो मज़ा आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं नीचे लिंक दे रखा है, आप मेरे साथ मेरा कैलेंडर देख करके टाइम बुक कर सकते हैं और उस हिसाब से फिर हम बात करेंगे आपके करियर के बारे में, कैसे करियर स्विच करना है या फिर किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करना है तो उस बारे में हम बातें कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।